सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। सनातन धर्म के अनुसार पिछले दो दिनों से श्राद्ध चल रहा है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को है। लोगों ने खरीदारी बंद कर दी है। छोटे बड़े दुकानों, बाजारों या फिर हर क्षेत्र में खरीदारी फिलहाल निचले स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि श्राद्ध के समय में लोग कुछ भी खरीदारी करने से बचते हैं, इसलिए बाजारों में वीरानी छाई हुई है। वहीं इस भागदौड़ की जिंदगी में समय के अभाव के कारण लोग श्राद्ध के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ आर्थिक तंगी के कारण भी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध या फिर पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सभी को समझना होगा श्राद्ध क्या है। साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि पिंडदान को बिना खर्च करके भी किया जा सकता है। इसी विशेष विषय पर हमने बात की महिला ज्योतिषाचार्य पी शिल्पाधर से, जिन्होंने कई फिल्मों के लिए रिसर्च के साथ फिल्म उद्योगों के लिए काम भी किया है। तो सुनते हैं महिला ज्योतिषाचार्य पी शिल्पाधर को। ये श्राद्ध क्या है और पिंडदान क्या है और इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है? जी, प्राचीन काल से जब सतयुग था, जैसे कि हम जानते हैं बहुत से युग हिंदुइज्म में रहे हैं, सतयुग के टाइम से ही जब भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब पृथ्वी की स्थापना की थी ब्रह्ममंडल में, तब से शुरुआत हुई थी श्राद्ध की। पहले थोड़े से हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी श्राद्ध की। ब्रीफ में बताऊंगी क्या हुआ था। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में से जो एक पुत्र थे आत्री जी, उनका आगे एक पुत्र था। उनके जो पुत्र थी, समय से पहले उनका देहांत हो गया, तो जो उनके पिता थे, जाहिर सी बात है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और 12वें दिन पे, मृत्यु के 12वें दिन पे बहुत ही दुखी थे और जाके जगह जगह सब्जियां ब्राह्मणों को बांटने लगे और मार्केट से फ्रूट्स लेके बांटने लगे। उन्हें कुछ नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुख में थे। इतने में क्या हुआ, नारायण, जो नारद मुनि है, जो नारायण नारायण करता रहता है हर बार, वो वहां आया और उन्हें देखने लगा। तो उनकी नज़र पड़ी नारद मुनि पे, उन्होंने क्षमा मांगी, बोले मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, आप तो सोच रहे होगे मेरा पुत्र रहा ही नहीं और मैं ये सब हरकतें कर रहा हूँ, आप तो मेरा मजाक उड़ाओगे। परंतु वो आगे से नारद मुनि कहते हैं, ब्रह्मा ने स्वयं इस चीज़ की वो दी है परमिशन और ये आज से पृथ्वी लोक पे श्राद्ध के नाम से जाना जाएगा कि आपने ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है। अब उस टाइम पे उन्होंने ब्राह्मण कहा था, तब एक युग अलग था। आज के टाइम में हम इसको कहते हैं, आप किसी को भी भोजन खिला सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, किसी को भोजन खिला सकते हैं, गरीब को खिला सकते हैं, बुजुर्ग को, पंडित को, ब्राह्मण को, प्रीस्ट को, मंदिर के जो पंडित होते हैं, जो भी आप जिसको भी अपनी यथाशक्ति अनुसार दे सकते हैं वो अवश्य देना चाहिए। तो ये प्रथा जो थी तब से शुरू हो चुकी थी। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे आपके, जो है पिंडदान। तो पिंडदान की प्रथा कब शुरू हुई थी? भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार पृथ्वी लोक पे लिए हैं, उनमें से एक अवतार था जब वो वानर भालू रूप में आए थे, उनकी लीला थी एक। तो जब वो भालू के रूप में आए थे, उन्होंने कुशा घास पे अपना दांत, मोलर दांत निकाल के रख दिया था और उस दांत के 3 पिंड बने थे और उन्होंने कहा था आज से धरती पे इसको पिंडदान माना जाएगा। एक पिंड होगा पिता का, एक होगा दादा का, एक होगा परदादा का, ये 3 पिंड माने जाएंगे। उसके बाद लोग पिंडदान की जो प्रथा है, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग विधि विधान के साथ जो पंडित लोग हैं वो करते हैं। तो पिंडदान से ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि पिंडदान करने से जो हमारे पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, जो पितृलोक में रह रहे हैं, उन तक जो उनके कष्ट हैं या जो भी उनका बैकलॉग है, कार्मिक बैकलॉग, उसमें उनको राहत मिलती है। ये तो रहा जो हमारा प्राचीन कल्चर चलता आ रहा है अभी तक का। तो आखिरकार श्राद्ध के टाइम ही पिंडदान क्यों, ऐसी कुछ मान्यता है कुछ? जी, क्योंकि श्राद्ध जो है, श्राद्धों का लेना देना उनसे है जो अब फिजिकल शारीरिक रूप में नहीं रहे, जो आत्मा के रूप में चले गए हैं। पिंडदान जो है वो हमारे पिता, दादा, परदादा जो अब जीवित नहीं है, जैसे किसी ना किसी उम्र के पड़ाव में आके हमारे जो इंसिस्टर्स होते हैं हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो जिनके इंसिस्टर्स छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए पिंडदान किया जाता है। तो दोनों का ही आपस में कनेक्शन है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसेस उनके लिए किया जाते हैं जो इस पृथ्वी लोक पे, धरती लोक पे अब मौजूद नहीं है।
इसको श्राद्ध ही क्यों कहा गया, कुछ और भी कहा जा सकता जी। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, हम इसे श्रद्धा से करते हैं। परंतु एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, हम ये बोलते हैं ना कि हम पिंडदान और श्राद्ध अपने पूर्वजों के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर राह चलता कोई एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, और उसका कोई दुनिया में नहीं है और वो उसकी मृत्यु हो गई और कोई दुनिया में नहीं, कोई बॉडी क्लेम नहीं कर रहा, कुछ नहीं, आप उसकी आत्मा के लिए, जैसे हम चैरिटी कहते हैं, सोशल वर्क कहते हैं, आप आत्मा के लिए भी सोशल वर्क कर सकते हैं। आप उसके नाम का श्राद्ध कर सकते हैं, पुण्य का काम है, आप उसके नाम का पिंडदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा, सारे देवलोक में प्रसन्न होंगे आपसे। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम इसको अपने परिवार तक सीमित रखते हैं, क्योंकि अपने परिवार के लिए टाइम नहीं, इंसान बोलता है किसी और के लिए क्या करना। बट ये एक नोबल कॉज है। कई लोग ऐसा करते हैं कि जिनको नहीं भी जानते हैं, समस्त आत्माओं की शांति के लिए वो पूजा अर्चना करते हैं, श्राद्ध करते हैं। जैसे आपने जिक्र किया पितरी जी, यानी कि जो दो तीन चार पांच पुस्त जो हमारे पूर्वज जो हैं उनके लिए, जो बच्चे गुजर जाते हैं जिनके कोई वारिस नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था है श्राद्ध में, कुछ है व्यवस्था या सिर्फ पितृ के लिए क्या जाएगा? उनके लिए जैसे मैंने आपको कहा, जो पंडित होते हैं या आप कह सकते हैं जो तंत्र तंत्र विद्या में है, सिद्ध लोग जो हैं, जिनके पास सिद्धियां हैं, वो उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। जो ज्ञाता है, जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान है, जो आत्माओं को महसूस कर सकते हैं, उन्हें संपर्क कर सकते हैं। तो जब कोई ज्ञाता होता है ना, वो कहीं पे भी चला जाए, उसे पता होता है इस कमरे में या इस घर में कोई आत्मा भटक रही है या इस सड़क पे भटक रही है, तो उसका फ़र्ज़ क्या बनता है, अपनी विद्या के तहत वो उसका श्राद्ध करके उसे मुक्त करते, तब वो एक अच्छा पंडित, अच्छा ब्राह्मण, अच्छा तंत्र, सिद्ध पंडित या सिद्ध इंसान कहलाता है। तो जिनके पास ये विद्याएं हैं वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ इस एरिया में कोई आत्मा है जी। दूसरी बात कि जो श्राद्ध का समय जब आता है तो लोग खरीदारी करना बंद कर देते हैं, मार्केटिंग नहीं करते, कहते हैं ये ठीक श्राद्ध खत्म हो जाए, इसको सही नहीं मानते खरीदारी के लिए, ये क्या है, लोगों में बहम है या कुछ ऐसी तार्किक कोई बातें हैं जी? मैं आपको बताऊंगी इसका कारण क्या है। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और हमें स्कूल जाना है और हमारे बुजुर्ग दादाजी बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में और हम उन्हें पार करके जा रहे हैं और हम सीधे निकल जाए स्कूल बस में, स्कूल पहुँच जाए। दूसरी सिचुएशन में हम रुके, दादाजी को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें और फिर निकले। तो इसके कहने का तात्पर्य ये था कि जब श्राद्ध चलते हैं, हमारे पितृ पृथ्वी लोक पे आते हैं और हमारे घर में, हमारे आसपास मौजूद होते हैं, तो ऐसे में उन्हें हमसे अटेंशन चाहिए। हम उन्हें अकेला छोड़ के या उन्हें अटेंशन नहीं देके अगर बाहर जाए और अपना कार्य करें तो उनका आशीर्वाद हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हमें उन्हें समय देना है, जो भी विधि विधान है श्राद्ध में करने हैं, उनकी परमिशंस लेनी है हर चीज़ के लिए, वेदर उनकी फोटो है, जोत जलानी है, जो भी हमारी विधियां हैं वो हमें करनी है। अच्छा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि श्राद्ध का मतलब आपकी खरीदारी जो है वो कोई गैर वाजिब नहीं या कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई नुकसान होने जा रहा है, इसका सिर्फ है कि आप अपने पितर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा करके पूजा पाठ कर सकते हैं, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एक पूरा समय चाहिए उनके लिए, यही है इसका मतलब। बिल्कुल। अब जैसे घर पे बुजुर्ग और हम लोग पिक्चर देखने चले गए, क्या कहते हैं, भोजन करने चले गए और बुजुर्ग को हमने अकेला घर पे छोड़ दिया, तो उनकी कहीं ना कहीं आत्मा को ठेस पहुँचेगी। ऐसी श्राद्ध में हमें, आपको ये सोचना है कि 15 दिन हमें अपने बुजुर्गों के लिए जो जीवित नहीं बस उनके नाम के रखने हैं। उससे जितना हम ये करेंगे उतना ही हमें आशीर्वाद मिलेगा और दूसरे नंबर पे पितृ दोष अगर कुंडली में है उससे निवारण मिलेगा जी। और इससे भी बढ़कर के जो बड़ी बात है कि आज की भागा दौड़ी के जिंदगी में भाई भाई को नहीं पहचान रहा, माँ बेटे को नहीं पहचानता, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा, बाप को दादा को फिर क्या पहचानेंगे वो। लेकिन हिंदू समाज में श्राद्ध पिंडदान इसकी व्यवस्था है, लोग चाहते हैं कि इससे कैसे हम मुक्ति पालें, जल्दी मुक्ति पालें, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो इसको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, बहुत ज़्यादा खर्च करते ना करते हुए, क्योंकि आज खर्च की भी, क्योंकि ये अर्थ युग चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होता है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करें, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, फिर कैसे करें श्राद्ध और पिंडदान? जी, बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी। अगर आप पिंडदान नहीं कर सकते, धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकते, श्राद्ध प्रॉपरली नहीं कर सकते, पंडित को नहीं बुला सकते, तो आपने क्या करना है, आप नोट कर सकते हैं कॉपी पेन लेके, आपने क्या करना है, सबसे पहले दूध
पिलाना है काले कुत्ते को। कुत्ता जो है वाहन माना गया है हमारे पितरों का, भैरव का भी वाहन है और पितरों का भी वाहन है। तो कुत्ते को दूध पिलाने से ऐसा माना जाता है कि वहाँ तक हमारा जो भोग है वो लग चुका है। दूसरा हमें करना चाहिए काले कौवे को, जो कौवा होता है उन्हें भी माना गया है वो टाइम ट्रैवल करते हैं और टाइम ट्रैवल करके पितृलोक में जाते हैं, तो जो भी हम उनको खिलाएंगे वो लग जाएगा। ऐसे में ना खर्चा है ना कुछ है, मात्र दूध है जो आप खुद स्वयं खा रहे हैं, पहले भोग लगा लीजिए पितरों के नाम का। सिंपल सी दो रेमेडीज है। तीसरा गाय, गाय माता है और पूजनीय है और गाय के अंदर माना जाता है देव देवताओं का वास है, तो जब हम गाय को कुछ खिलाएंगे, कुछ भी खिला सकते हैं, घास चारा खिला सकते हैं, वो जाके हमारे पितरों को भी लगेगा क्योंकि देव देवता उससे प्रसन्न हुए हैं, तो उनकी जो मेहर है वो हमारे, जो उनकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद है वो हमारे पितरों पे पड़ेगी क्योंकि हम पितरों के नाम का ये कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जो हमारे पितर हैं जब उनकी मृत्यु होती है वो यमलोक में जाते हैं सबसे पहले, है ना, पितृलोक से पहले, तो यमराज जब उन्हें लेने आते हैं उनका वाहन है भैंस, परंतु भैंस जो है वो इतना स्पीड नहीं पकड़ती, इतनी गति नहीं है भैंस की। लेकिन जो कौवा है वो है शनि का वाहन, परंतु शनि और यमराज दोनों आपस में ब्रदर्स थे, तो कौवा जो है उसकी परंपरा जो उड़ने की और टाइम ट्रैवल की है वो रामायण के दौर से चलती आई है, कि कौवे ने जो है, कौवे को वरदान मिला था, उन्होंने ही हनुमान जी को बताया था टाइम ट्रैवल के बारे में और रामायण जो है सुनी थी, रामायण के टाइम से कौवा जो है चलता आ रहा है, तो इतनी कौवे की इम्पोर्टेंस है हमारे शास्त्रों में। तो ये तीन चीज़ें मात्र अगर आप कर लेंगे, ये इक्विलेंट है, मतलब इसी से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। और यदि कोई फोटो है आपके पास आपके पितरों की, सब पितरों की तो हमारे पास फोटो नहीं हो सकती, असंभव है, लेकिन अगर एक दो की भी है तो उनको विधि विधान से जोत जलाई, फूलों की माला चढ़ाई, जितना आप कर सकते हैं, और बाकी पितरों को याद करके 15वें दिन यानी कि पितृ अमावस्या के दिन आपने उनको याद करना है कि समस्त पितरों के लिए मैं आज ये दान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये जाके अगर कोई भूल चूक हो गई हो मेरे दान में या मेरे भाव में, तो मुझे उसके लिए क्षमा देना। दूसरी बात मैडम, कि पिंडदान करने के लिए लोग खासकर गया जाते हैं, और भी कई जगह होंगे जो मुझे जानकारी में नहीं है, वहाँ पंडित जी होते हैं, वो कहते हैं कि ये सामान लगेगा, वो सामान लगेगा, जैसे आपने काले कुत्ते और कौवा और गायों का की बात कही है, ऐसे में वहाँ ये बातें गौण नहीं हो जाती, जहाँ पिंडदान देने के लिए जाते हैं वो कहते हैं ये बर्तन खरीदो, ये करते, तो उसमें थोड़ा सा आर्थिक जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए वो दिक्कत आती है। जी बिल्कुल, अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आपको मैं यही सलाह दूंगी, आप अपने घर बैठे केवल जो तीन मैंने मात्र उपाय कहे वो कहिए करिए, और 15 के 15 दिन एक जोत आपके घर में चलनी चाहिए पितरों के नाम की। जैसे जैसे जोत की लो ऊपर ऊपर जाएगी, वैसे वैसे जो अग्नि द्वारा आपके पितरों तक अग्नि की जो एनर्जी है पहुंचेगी, तो अग्नि नहीं बुझनी चाहिए, मात्र 15 दिन एक दिया जलाइए समस्त पितरों के नाम का, और ये तीन उपाय करिए, आप घर बैठे कर सकते हैं। दिया आपने कहा कि वो बुझने नहीं चाहिए, अखंड जोत जिसे कहते हैं, जैसे हम नवरात्रों में रखते हैं वैसे आप अखंड जोत अपने घर पे कर सकते हैं। दिया बुझ जाए तो फिर क्या? देखिए, इसका भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, हम इसकी क्या मान्यता है, जब भी दिया जलने में दिक्कत आए, नंबर वन, आप बार बार जला रहे जल नहीं रहा, मतलब पितृ रुष्ट है, जल गया और समय से पहले बुझ गया, मतलब पितृ रुष्ट है, और अगर जल गया लेकिन लो ऊपर नहीं जा रही है, बुझ रही है, मतलब धीमी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब पितृ रुष्ट है। ऐसे में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है, प्रार्थना करनी है, क्षमा मांगनी है, बोलना है कि मुझसे या मेरे पूर्वजों से कोई भी अगर भूल हो गई हो, जितने भी मेरे पितर हैं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, मैं इसको गाय को, कुत्ते को, क्रो को, कौए को ये दूध या ये आज जो है खिलाने जा रही हूँ, मुझे इसमें जो है सफलता मिले, और दिल से, सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना पितर स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो आपका मन पढ़ सकते हैं, आपका दिल पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए कि यहाँ जाए वहाँ जाए, उनको दिल से आपका कनेक्शन उनके साथ दिल से है। उसके 5 या 10 मिनट बाद आप दोबारा वो जोत जलाएं, और अगर वो जोत इस बार जल गई और लोग ऊपर तक गई, इसका मतलब है आपके पितरों ने आपको माफ़ कर दिया। अब हम आते हैं कि ये तो हिंदू समाज में व्यवस्था है हमारे ग्रंथों में, सवाल अब उठता है कि जो हिंदू समाज से बाहर है, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, और भी कई समुदाय हैं, वहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है मेरे ख्याल से, तो क्या उनके पितर ऐसे ही रुष्ट रहते हैं और लेकिन फिर भी वो लोग सुखी हैं? इसके पीछे ना बहुत ही गहरा कारण है, मैं आपको बताती हूँ। हिंदुइज्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सतयुग से चलता आ रहा है। पहले सृष्टि में सिर्फ हिंदुइज्म था, सिर्फ हिंदूज थे, है ना, ये तो सब लोग जानते हैं इस बात को। सत्युग के समय पे जो धारणाएं जो हमारे भगवानों ने, देव देवताओं ने दी हुई है, ये तब
से परंपरा के रूप में चल रहा है। यदि जो लोग मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, वो सब धर्म जो है कलयुग में आए हैं, अभी आए हैं, कुछ सौ साल पहले, कुछ हज़ार वर्ष पहले ही ये धर्म आए हैं, है ना। तो ये सारे जो धर्म है इन पे सत्युग की, त्रेता युग की जो धारणाएं हैं वो लागू नहीं होती। नंबर वन, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं अकाल पुरख एक है, सुप्रीम गॉड एक है, कोई देवी देवता नहीं है, राइट? देवी देवता नहीं है, पितृ नहीं है, ये सिर्फ एक, जो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब धर्म की अपनी आस्था होती है। क्योंकि कलयुग में जो इंसान है उसकी आयु कम है, केवल 100 वर्ष है, तो हम इतने कम समय में इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नाम जपना कलयुग का। हिंदुइज्म में भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कलयुग में सिर्फ हरि का नाम जपो, सिखिज्म में भी वही कहा गया, इस्लाम में भी वही कहा गया, सिर्फ कुरान पढ़ो, सिखिज्म में कहते हैं सिर्फ नाम जपो, कीर्तन करो, है ना, ग्रंथ पढ़ो। वो ये नहीं कहते कि आप जाके हवन करो या आप जाके किसी दूरदार उसमें जाके कुछ ये प्रोसेस करो, क्योंकि समय हमारे पास कम है। जो मेन साइंटिफिक रीज़न है अलग अलग धर्मों के आने का वो यही है कि कलयुग में केवल 100 वर्ष इंसान की आयु रह गई है, जबकि और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा केवल 30 वर्ष तक आयु रह जाएगी। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में तो 5,000 तक आयु थी इंसान की, तो इंसान हवन, कर्मकांड, धर्मकांड बहुत कुछ कर सकता था और चीज़ें बहुत सस्ती थी, जंगल में जाके ये चीज काटी, जंगल में इतना ये महंगाई, ये सब कुछ कलयुग में हो गया है ना। तो इसलिए उन धर्मों पे ये चीजें लागू नहीं होती हैं, क्योंकि उन धर्मों ने, जैसे हिंदुइज्म में भी कुछ लोग जो है राधा स्वामी है, वो क्या करते हैं, वो पिंडदान करने के बाद बोलते हैं अब से हम देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ एक सुप्रीम लाइट को मानेंगे। कोई बात नहीं, आपकी अपनी आस्था, फिर आपका कनेक्शन आपके पितरों से कट जाता है। हमारा क्यों नहीं कटता है जो हिंदू है, क्योंकि हमने अभी तक वो चीज़ नहीं करी है, हमने वो कॉर्ड नहीं काटी, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो इसलिए हम पे वो चीज़ लागू होती है। जो धर्म बदल देता है, आप सिख बन गए, मुस्लिम बन गए, आप पे नहीं लागू होगा, क्योंकि आपने अपने आप को बैप्टाइज करके होली वाटर से आप उस स्कूल ऑफ थॉट में चले गए, तो आपकी जो एक रॉड थी पितरों के साथ या देवी देवताओं के साथ, वो कट चुकी है जी। हाँ जी, कोई ऐसी जानकारी जो दूसरे समुदाय से, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या कोई, उनको कभी ऐसा लगा हो कि हमारे जो पितर के लोग हैं, जो उनकी आत्माएं इधर उधर हो रही हैं, भटक रही हों, और उनको फिर पिंड दान करने के लिए किसी ने सलाह दी और फिर करा हो और फिर उनको शांति मिली हो उस परिवार को? बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि होता क्या है, कई बार जो आत्मा है, मतलब जिसे कहते हैं ना एक्सीडेंटल मौत हो गई, तो आत्मा तो भटकेगी क्योंकि वो अपने समय से पहले जा रही है, और भटकने के टाइम वो अपनी फैमिली को परेशान करने लग गई, बट उनके धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि प्रीस्ट होते हैं, वो भी कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ उनमें भी होता है, लेकिन पिंडदान का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कई लोग जो है वो फिर पंडितों को, ब्राह्मणों को कॉन्टैक्ट करके विधि विधान से उस चीज़ से छुटकारा पाते हैं। बिल्कुल, ये सूचना है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है, कई केसेस में ऐसा होता है, जब वहाँ से हल नहीं मिलता है तो फिर वो हरिद्वार जाके इस चीज़ से छुटकारा पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो आपने बताई और जानकारी दी लोगों के लिए, कि अगर आपके पास आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं हैं, तो मैडम ने जो व्यवस्था बताई कि उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। जो सबसे, और उससे भी बड़ी बात जो इन्होंने बताई, कि कई बार श्राद्ध में लोग खरीदारी नहीं करते हैं, कि उनको खराब माना जाता है खरीदारी को, लेकिन कंसेप्ट वो नहीं है, वो ये है कि सिर्फ आप अपने जो पितर हैं उनकी आत्माओं को सुखी रखने के लिए या भटके ना इधर उधर, उनको स्थिर रखने के लिए आप उनमें पूरा ध्यान लगाएं, ध्यान मग्न रहें, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपकी बात, आप सुन रहे थे शिल्पाधर, पी शिल्पाधर को, जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी। और मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने बहुत फिल्मों में काम भी किया है और फिल्मों पर रिसर्च भी किया है, इनके रिसर्च पे ही कई फिल्में बनी हैं। आप ये थोड़ा सा परिचय अपने जी, मैं रहने वाली कश्मीर की हूँ और बहुत ही गहरा मतलब रिश्ता है मेरा कश्मीर से, और हालांकि बहुत ही कम उम्र में हम वहाँ से निकल गए बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बट पैदा मैं कश्मीर में ज़रूर हुई हूँ। तो कम उम्र तो अभी भी लग रहा है नहीं मतलब पैदा होते ही निकल गए आप समझिए, क्योंकि कुछ उस टाइम दौर ऐसा था, तो आधी रात को 1:30 बजे हम ट्रक में भागे थे वहाँ से, और फिर हम जम्मू आ गए, और फिर उसके बाद मतलब सब कुछ ही जीरो से स्टार्ट किया, बट यस वहाँ पे मैं पैदा ज़रूर हुई हूँ। तो कुल मिलाकर के भले ही आत्माएँ भटक रही हों और भी, लेकिन कश्मीर में जो हालत रही है आतंक के युग में, हालांकि अभी भी वहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है, आदमी को भी वहाँ से भटक कर यहाँ से वहाँ जाना पड़ा है।
इसके लिए तो सरकार ही कुछ कर सकती है, पंडित तो कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।